क्लिप्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो अभी इसे ज्यादा गहराई से समझने के लिए क्या ये सच है कि जो हमारे होते, जो होते, आँखों के पर बेस किए गए तो जो हम कह रहे हैं कि नियर फार के लिए आंखों का फोकस बदलना चाहिए उसी तरह कैमरे में जब हम फोकस बदलते हैं लॉजिक और फिजिक्स सेम ही है कैमरा में एक लेंस है वो लेंस लाइट आती है लेंस पिक्चर बनाता है और पीछे एक रील है जहाँ पे पिक्चर बन जाती है राइट सेम फिनोमेना इन ह्यूमन आई आल्सो ह्यूमन आई में भी एक लेंस है लाइट आएगी लेंस से पास होगी और जो फिल्म में आएगी उसको हम लोग कहते हैं रेटिना तो लाइट लेंस से होते हुए आंख का जो पीछे का पर्दा होता है रेटना वहां पर फोटो बना देती है और वो फोटो हमारी आंख में एक नर्व होती है ऑप्टिक नर्व उससे ब्रेन कनेक्ट होता है और हम उसको देख पाते हैं अच्छा जैसे यूसी कैमराज ऑटो फोकस है so, फोकस दूर का, फोकस पास का ऐसी हमारी आई का भी जो लेंस है इट इज एन ऑटो फोकस लेंस सो रिमेम्बर वी वर डिस्कसिंग की मसल्स है जो लेंस को मोटा पतला कर सकती है सिमिलरली ये जो लेंस है मोटा पतला होकर इट्स एन ऑटो फोकस इसीलिए हम दूर का भी देख सकते हैं पास का भी देख सकते हैं बट वेन यू क्रॉस द एज ऑफ फोर्टी फोर्टी फाइव तो ये ऑटो फोकस मैकेनिज्म आंख का खत्म हो जाता है सो देन यू नीड पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए होता है हर इंसान का चालीस पैंतालीस साल के बाद पढ़ने का चश्मा आ जाएगा वो क्यों आ रहा है क्योंकि जो हमारी आंख में सॉफ्ट लेंस है जो अपने को शेप को चेंज कर सकता था दूर का पास का ऑटो फोकस लेंस था वो एज के साथ हार्ड हो जाता है तो वो हार्ड हो गया वो शेप चेंज नहीं कर सकता तो आप दूर का देख पा रहे हो पास के लिए आपको चश्मा पहनना पड़ता है। तो हजार साल पहले जब चश्मे होते ही नहीं थे तब लोग फोर्टी के एज में पहुंचकर क्या करते लोग जीते थे, थे 40 तक तब तो की होती होगी लेकिन क्या करो फोर्टी के बाद धुंधला दिख रहा है नजदीक का तो इट चश्मे वश्मे तो अब कुछ टाइम पहले आया ना जब पहले नहीं होता था ऐसी कितनी सारी आंखों की बीमारियां होती थी उनका इलाज नहीं हो पाता था मोतियाबिंद करके कैट्रैक्ट करके एक प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट सबको होनी है उसका ट्रीटमेंट्स नहीं हो पाते थे तो ये सब धीरे धीरे करके चीजें एडवांस हुई हैं ऑलमोस्ट सबको होनी है लॉन्ग इनफ लाइफ एवरीबडी विल हैव कैट्रैक्ट और मोतियाबिंद देखो क्या होता है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं बाल सफ़ेद हो जाते हैं सिमिलरली बढ़ती उम्र के साथ जो हमारे आँखों के अंदर लेंस होता है उसके प्रोटीन्स डी हो जाते हैं एंड धीरे धीरे वो वाइट होना शुरू हो जाता है तो ये जो नेचुरल लेंस जो नेचर ने क्लियर बनाया ट्रांसपेरेंट बनाया शीशे की तरह साफ बनाया ये जो बढ़ती उम्र के साथ सफ़ेद हो जाता है इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं कैट्रैक्ट एंड कैट्रैक का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है ये भी बहुत जरूरी है हमें समझना क्योंकि वी फाइंड लॉट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टिजमेंट्स कई बार हम लोग देखते हैं कुछ ड्रॉप्स आ गए जिससे कैटरेक्ट ठीक हो सकता है कोई गोलियां आ गई कुछ लोग कहते हैं योगा कर लो आंखों की मसाज कर लो कैटरेक्ट ठीक हो जाएगा कुछ भी साइंटिफिकली प्रोवन नहीं है आज की डेट में भी कैटरेक्ट या मोतियाबिंद का सिर्फ एक ही इलाज है कि ऑपरेशन से वो जो आंख के अंदर लेंस वाइट हो गया सफ़ेद पड़ गया उसको निकाल दो और उसकी जगह पर एक नया साफ सुथरा लेंस डाल दो राइट तो ये जो कुछ ड्रॉप्स वगैरह आ गए हैं जो क्लेम करते हैं कि हम कैट्रैक को रिवर्स कर देंगे या कैट्रैक को ठीक कर देंगे इट इज साइंटिफिकली नॉट पॉसिबल क्योंकि आप एजिंग को नहीं रोक सकते ना ऐसी कोई दवाई आज तक नहीं बनी कि एजिंग रुक जाए आप बढ़ने से रुक जाए तो अगर आप बुढ़ापे को नहीं रोक सकते तो बुढ़ापे से होने वाली जो प्रॉब्लम है उसको कैसे रोक लोगे ओके okay. सॉरी कि पॉडकास्ट के इस स्टेज में ही मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ बट ये जो कैटरैक का ऑपरेशन है आप उस ऑपरेशन के बारे में बता सकते हो कि आंखों को काटते कैसे हैं ये वो है देखो कैटरैक सर्जरी जो है ना टाइम के साथ बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है तो पहले जो कैटरैक सर्जरी होती थी उसमें हम क्या करते थे कि आई जो है उसमें एक बड़ा सा कट लगाया और आंख के अंदर जो वाइट लेंस हो गया उसको निकाल दिया और एक नया लेंस डाल दिया पर कट कहाँ आंख के ऊपर

सो नाउ वॉट हैपन्ड कि टाइम के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई सो so इसके बाद एक फेको इमल्सिफिकेशन करके टेक्नोलॉजी आई और अब जो आ गई है दैट इज़ द लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी सो अब जो कैटरे के ऑपरेशन हैं इनमें कोई दर्द नहीं है कोई इंजेक्शन नहीं है कोई टांका नहीं है कोई ब्लेड नहीं है कोई पट्टी नहीं है कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है एनस्थीजी होती है ओनली ड्रॉप्स मतलब इंसान जगा जगह वेक नाइस से अवेक सब कुछ सुन सकते हो देख सकते हो डॉक्टर के हाथ वाथ चल रहे हैं बट आपको फील कुछ नहीं होता फील होता क्या है फिर कुछ भी फील नहीं होता बट ऐसा लगता है कि आंख पे हल्का सा प्रेशर लग रहा है पेन नो पेन एब्सोल्युटली जीरो पेन एंड द मैजिक इज ओनली ड्रॉप्स तो ड्रॉप डाली दस मिनट के लिए आंख सुन हो गई दस मिनट में ऑपरेशन भी हो गया ऑपरेशन सारा लेजर से होना है तो रिकवरी इंस्टेंट है आज करा कल से दिखना शुरू दो दिन के बाद अपने काम पे लग जाओ फिर भी वी आर द ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द दर्ल्ड इंडिया और उसका कारण है बिकॉज हमारे कंट्री में इतने ज्यादा पेशेंट्स है के एंड एज डॉक्टर्स हम बहुत कम है और ये जेनेटिकली एक प्रॉब्लम है भारत में कैट्रैक्ट हाँ एन एज रिलेटेड प्रॉब्लम पर हमारे देश में ज्यादा कैट्रैक्ट है हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है ना ओके okay, वैसे सो वी वीड पॉपुलेशन इज हाई एंड डॉक्टर्स हमारे कम है हमारे देश में करीब पच्चीस छब्बीस हजार ही के डॉक्टर्स हैं एंड हमें रिक्वायर्ड है डेढ़ लाख आंखों के डॉक्टर्स टू टू मैच मैच द द करंट करंट डिमांड बर्डन ऑफ कैटरेक्ट सो इतना बड़ा गैप है तो बहुत सारे लोग करा नहीं पाते प्लस देर इज द टेक्नोलॉजी इज नॉट अवेलेबल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है डॉक्टर्स की भी कमी है एंड वी बिकम द ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज देखो अमेरिका यूरोप वगैरह तो वहां पे जो ब्लाइंडिंग का सबसे मेन कारण है दैट इज डायबिटिक रेटनोपैथी कि हमारे जो आंख का पर्दा होता है उसमें डायबिटीज की वजह से नुकसान हो गया दैट इज इन अमेरिकन यूरोपियन डेवेल्प नेशन इन आर कंट्री अनफॉर्चुनेटली इट इज कैट्रैक्ट और कैट्रैक को हंड्रेड परसेंट ठीक करा जा सकता है दस मिनट के ऑपरेशन से बट बिकॉज द बर्डन इज सो मच देन वी आर लैगिंग बिहाइंड कितना महंगा होता है वो ऑपरेशन कैट्रैक सर्जरी तो हमारी कंट्री में फ्री में भी होती है इट कैन रेंज फ्रॉम फ्री एंड इट कैन गो अपनो प्राइवेट इन इट विल डिपेंड की आप कैटरेट में लेंस कौन सा डलवा रहे हो कौन सी टेक्नोलॉजी से करा रहे हो सो यू हैव एडवांस इस तरह के लेंसेज भी हैं कि हमने आपका कैटरेक् ऑपरेशन करा और आपको चश्मा भी नहीं पहनना दूर के लिए भी नहीं पहनना बीच के लिए भी नहीं पहनना पास के लिए भी नहीं पहनना सो देर आर वेरिएबल वेरिएबल टेक्नोलॉजीज एंड इनके परमिटेशन कॉम्बिनेशन से इट कैन रेंज बिटवीन फ्री टू ऑलमोस्ट टू लैक्स पर आई मतलब उस एक सर्जरी से एक्चुअली आंखों का नंबर भी चला जा सकता है हम्म, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि कैटरक सर्जरी में हमने जो लेंस डाला वो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैटरक तो ठीक हो ही गया साथ साथ चश्मा भी ठीक हो अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही हजार क्लिप्स अपलोड किए गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ